सरकार ने विधवा पेंशन योजना चलाई है ताकि विधवा महिलाओं का सही ढंग से भरण पोषण हो सके, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि जनपद जौनपुर के जमालापुर गांव में हरिजन बस्ती में विद्या देवी सहित कुल 7 विधवा महिलाओं का पिछले 2 साल से विधवा पेंशन न मिलने के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको पेंशन कितना दिन से रुका बा? 2 साल हो गया बा, करवाइया नाई बात बड़ा दिक्कत होता है, हर चीज के दिक्कत तो हो गई करी, पढ़ाई लिखाई में लड़की लड़कियन के थोड़ा साबुन तेल सब कुछ का तो दिक्कत ही रही। आपके पता बा कि पेंशन कहाँ से बनत है? दूसर के अंतर प्रधान बनवाए रहे। अगर पेंशन मिले लगी आपका तो क्या फायदा हुई? अरे फायदा बहुत कुछ हुए, लड़कियन का खर्चा चले, पढ़ाई लिखाई कायदे से हुए, घरे का खर्चा चली कायदे से। आपका क्या समस्या बता दी? ये समस्या बा भैया की 4-5 साल हो गया हमारा पेंशन ना मिलता, अपने लगे को पैसा नहीं, बैठे वाला लेवे वाला के का करी है। बहुत परेशानी मारी बीमारी बा, दुख दानी बा, दो पैसा अपने लगे रहता, हम अपन करी धरी तो खा दवाई। घर का खर्चा कैसे चलत है? घर खर्चा चला तो ऐसे जानो खेती बाड़ी अधिया टिपुरी कह के मजूरी धतूरी कह के अपने से खा जियत बाही लड़के प्राणी जियावत से। आपका पेंशन कितना दिन से रुका बा? 1.5 साल। पेंशन रुके से क्या समस्या होता? दिक्कत हुआ तो लड़कियन पढ़ाई लिखाई रुका बाट है, खान खर्चा चले जवन परेशानी बाट है, दिक्कत तो बहुत हुई के बाट है रुके से। अरे प्रधान के लगे जब से रुका बा तब ऐसे जाते हम सबके, प्रधान न करते बा न कुछ बताते बा है। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इन विधवा महिलाओं का विधवा पेंशन पुनः मिलना शुरू हो ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। इस वीडियो को देखने वाले मैं सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि रामनगर ब्लॉक के वीडियो जिनका मोबाइल नंबर 94-56-5277 है इस पर कॉल करके दबाव बनाएं ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। मैं बबीता मौर्या जौनपुर उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड की।